Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October. And date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the Festival of Democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है, मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहाँ पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को, तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन, बहुत ही आसान है पूछना। इन द ब्लू शर्ट, आई विल आंसर सेकंड लास्ट रो। हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती इस बार जम्मू कश्मीर में। आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। न्यूज 18 के ही जो नीरज हैं वो सवाल भी पूछ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं आई हैं इन तमाम चीज़ों से तर बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में यहाँ पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव इस वजह से 18 सितंबर से चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर दूसरे चरण की वोटिंग और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव यहाँ करवाने के निर्देश दिए थे। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं दोनों ही जगह के वो आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर के मतदान इसलिए भी 90 सदस्यीय ये विधानसभा होगी, ये इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है, 2014 के बाद से यहां इलेक्शन नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात के 2019 में 370 हटने के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव, 87 सीट यहां पर है। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर, तीसरा 1 अक्टूबर और नतीजे यहां के आएंगे 4 अक्टूबर को। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है और इतिहास में दर्ज होने वाले चुनाव, इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर चुनाव और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो चल रही है, जिसमें सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग हो जाएगी, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। इसे लेकर जानकारी और जानकारी के बाद अब सवाल जवाब का सिलसिला, राजीव कुमार सीईसी वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण, हरियाणा में 1 चरण, दोनों ही जगह पर
हरियाणा में 90 सदस्यीय ये विधानसभा है और 46 इसका जादुई आंकड़ा है। और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा विनीत के पास आपको लिए चलेंगे। तो विनीत, आखिरकार ऐलान हो गया और बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाले हैं, किसी इतिहास जैसे ये होंगे क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर ये जो चुनाव है होने जा रहे हैं। विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो काफी ऐतिहासिक चुनाव जो होंगे। जैसा कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सुन रहे थे, तब उस वक्त उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें